हेलो, रिसेंटली हमने जवान देखी जिसमें हमें नजर आए शाहरुख खान डबल रोल्स में। शाहरुख खान की इससे पहले भी डुप्लीकेट डॉन, करण अर्जुन, बादशाह, ओम शांति ओम और फैन जैसी फिल्मों में डबल रोल्स में हमें नजर आ चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई हीरो या हीरोइन किसी फिल्म में डबल रोल्स में नजर आते हैं तो दर्शकों की उत्सुकता उन्हें देखने के लिए और भी बढ़ जाती है। भाई, एक ही टिकट के प्राइस पर आपको अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन दो दो अलग रूपों में नजर आ रहे हैं, वो भी एक ही फिल्म के अंदर, क्या चाहिए और। शुरुआती डबल रोल्स की बात करें तो अशोक कुमार साहब किस्मत में दिखे थे डबल रोल करते हुए, एक अच्छा और एक बुरा, तो उस दौर में भी ये बहुत एक आइकॉनिक बात मानी गई थी। अगर हम हीरोइंस की बात करें तो साधना और वैजयंतीमाला हमें नजर आए थे वो कौन थी, मेरा साया और मधुमती जैसी फिल्मों में। ये सारी फिल्में एक हॉरर जोनर की फिल्में मानी जा सकती हैं। अक्सर जो डबल रोल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जुड़वा भाई बहन होते हैं ये हीरो और हीरोइन, उनमें से कोई एक बहुत अच्छा होता है तो एक बहुत बुरा होता, या फिर होता है एक बहुत तेज तो दूसरा बहुत ही ज्यादा शरीफ भोला भला। मसलन राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज, किशन कन्हैया आदि। फिर कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जहां पे खून का रिश्ता होता है बाप बेटे का या माँ बेटी का, जैसे हमने मौसम में शर्मिला टैगोर को देखा था, या फिर आराधना में राजेश खन्ना को, लम्हे और खुदा गवाह में श्रीदेवी, या फिर आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन साहब। हालांकि कहीं कहीं इन डबल्स के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जस्ट ए प्योर कोइंसिडेंट कि दो लोग एक ही शक्ल के हैं, जैसे कि हमने ऋतिक रोशन को देखा था कहो ना प्यार है में, या फिर डॉन में अमिताभ बच्चन या रीसेंट डॉन में शाहरुख खान। कभी कभी इन डबल्स का री इनकारनेशन भी होता है जब एक हीरो या हीरोइन मर जाते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है सेम उसी शक्ल में, उसी ढील डोल में, उदाहरण के लिए करण अर्जुन या फिर ओम शांति ओम। कई फिल्मकारों ने फिल्मों के नाम ही डुप्लीकेट, हम शक्ल, जुड़वा ऐसे रखे हैं जिनको सुनते ही दर्शक समझ जाते हैं कि भाई इसमें तो डबल रोल देखने को मिलेगा। कुछ एक्टरों ने तो तीन या तीन से ज्यादा भी किरदार पर्दे पर उतारे हैं एक ही फिल्म के अंदर, जैसे कि महमूद साहब नजर आए थे हम जोली में, अल्टीमेट फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, या फिर हमारे बच्चन साहब महान में, हालांकि ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही बॉक्स ऑफिस पर, वो एक अलग बात है। संजीव कुमार साहब क्या कमाल के एक्टर थे, नया दिन नई रात में 9 भूमिकाओं में नजर आए, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा एक साथ 12 रोल करती हुई दिखी व्हाट इज योर राशि में। चाइल्ड आर्टिस्ट के भी डबल रोल रहे हैं, जैसे दो बच्चे होते हैं जो जुड़वा होते हैं और कहीं ना कहीं उनके माँ बाप के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए वो अपने हम शक्ल होने का फायदा उठाते हैं। अगर बात करें तो नीतू सिंह ने जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी तब दो कलिया में ये काम किया था। कुछ फिल्मों में डबल फंड क्रिएट करने के लिए दो या दो से ज्यादा किरदारों के डबल रोल होते हैं, यानी कि दो किरदार और दोनों के ही डबल रोल, या फिर इससे भी ज्यादा। इस मामले में मुझे आंखें एक बहुत ही अल्टीमेट फिल्म लगती है, क्योंकि इस फिल्म को देखते हुए मैं खूब हंसा था और मुझे इसमें जो डबल रोल्स थे वो मुझे समझ में आ रहे थे कि यार ये कितने परफेक्टली यूज किए गए हैं लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भरने के लिए, उनको और ज्यादा एंटरटेन करने के लिए। ये फिल्म थी आंखें, जिसमें नजर आए थे दो दो गोविंदा, दो दो कादर खान और दो दो राज बब्बर भी। जी हाँ, एक शरीफ राज बब्बर और एक विलन राज बब्बर। अच्छा, विलन्स की बात करें तो विलन्स में भी बहुत सारे डबल्स हुए हैं, लाइक धर्म कांटा अगर आपको याद हो तो उसे अमजद खान का डबल रोल था जो दोनों ही रूपों में विलन थे। अगर मल्टीपल डबल्स की बात करें तो रिसेंट में हमने सर्कस देखी जो एक्चुअली शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर पे बेस्ड थी, और इससे पहले एक फिल्म गुलजार साहब बना चुके हैं अंगूर नाम से, जिसमें हमें संजीव कुमार और देवन वर्मा नजर आए थे डबल रोल्स करते हुए। ऑलमोस्ट सभी स्टार्स ने हमारे यहाँ पे डबल रोल्स में काम किया है। आप बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा एक्टर है जो डबल रोल में आपको बहुत पसंद आया, या कौन सी फिल्म है जो आपको डबल रोल्स वाली अच्छी लगी जो अभी भी याद है, कमेंट में लिखिए। और कौन कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं डबल रोल्स वाली, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।